हुआ, श्रील प्रभुपाद एक बार कुंभ मेला में थे और कुंभ मेला में अपने सारे शिष्यों के साथ गए थे, तो एकाएक सब लोग दौड़ के जाने लगे। प्रभुपाद जी के भी कुछ शिष्य गए, कुछ वहां रुके, पूछा क्या हो रहा है। प्रभुपाद जी, एक व्यक्ति आया है, एक साधु आया है जो गंगा नदी के उस पार से इस पार गंगा नदी के ऊपर चल करके आ रहा है, तो सब लोग उसी के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, वह महात्मा बहुत बड़े हैं। तो प्रभुपाद बोले बिल्कुल बहुत ही बड़े हैं, हमें भी उनका दर्शन करने के लिए चलना चाहिए। तो प्रभुपाद अपने बचे हुए शिष्यों के साथ वहां पर गए, गए महात्मा जी आए और सब लोग उनको एकदम प्रणाम करने लगे, कोई दंडवत प्रणाम कर रहे हैं, कोई उनको धन दे रहे हैं, ये वो पूरा इधर उधर पूरा कर रहे हो, बहुत मेहनत। तब प्रभुपाद महात्मा के पास गए, गए महात्मा जी आपने इस कला को सीखने में कितना वक्त लगाया। पहले तो प्रभुपाद जी ने कहा कि आपने बहुत ही बढ़िया, आप तो बहुत महान हैं, बहुत अच्छे, गंगा नदी को आप चल करके पार कर गए, लेकिन एक बात बताइए कि आप इस कला को सीखने में कितना समय लगा, कितना तपस्या। जानते हो 25 साल तपस्या किया है मैंने, 25 ईयर। प्रभुपाद उस समय कहते बहुत सुंदर बात कहते, 25 पैसे बचाने के लिए आपने 25 साल गवाए, 25 पैसे बचाने के लिए आपने 25 साल गवा दिए, क्योंकि गंगा नदी के उस पार से इस पार आने के लिए क्या भाड़ा थी उस समय, क्या नाव का जो ना टिकट क्या चार्ज था उसका, मात्र 25। प्रभुपाद कहते हैं कि आपने 25 पैसे बचाने के लिए 25 साल गवा दिए, अगर वही 25 साल आप हरे कृष्ण महामंत्र जप करते आज अभी आप भगवत प्राप्ति की ओर कितना अग्रसर हो चुके होते, समझ रहे कितना आगे बढ़े। और ये 25 साल में क्या किया आपने, मात्र आपको 25 पैसे बचे और कुछ नहीं, इसलिए हरे कृष्ण महामंत्र बहुत चुके है ना, अन्य सारे साधन ठीक है, हरे कृष्ण महामंत्र भगवत प्राप्ति करते।